धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए नेहा और मैं, नेहा भी यहाँ पर है और हमको जाना है इधर, इधर जाना है। हाँ जी दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में आपने देखा हमारा टुंगनाथ तक का सफर और टुंगनाथ मंदिर का इतिहास, और आज हम लोग जाने वाले हैं चंद्रशिला पीक, और चंद्रशिला पीक की भी एक कहानी है जो आपको आगे व्लॉग में सुनने को मिलेगी। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर थे और अभी हम लोग यहाँ पर हैं, और अभी बहुत ज़्यादा जाना है, चल के बहुत ऊपर जाना है। दोस्तों ये रहा चंद्रशिला पीक, धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए नेहा और मैं। भैया आप कहाँ से हो? मैं तमिलनाडु से हूँ। अच्छा तमिलनाडु से? वो मिजोरम से हूँ। अच्छा पहली बार आ रहे होंगे ना आप इधर? ये फर्स्ट वाला, हम ऑल ओवर इंडिया। अच्छा जितने बार भी ऊपर देख रहे हो ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत है यार, यहाँ पे घूमने वाले से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आए हैं। अभी जो भैया से बात करी ना तमिलनाडु से हैं, जो उनकी तो ट्रेनिंग चल रही है अभी। चढ़ते चढ़ते एक अद्भुत पत्थर दिखाए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो प्यार 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 बांटते चलो प्यार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला दिखाओ। इस चंद्रशिला या इसमें गंगा धाम लिखा है। फाइनली 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 चंद्रशिला पीक पे हम पहुंच चुके हैं, ना कि मैंने। लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम दिल्ली बट इतनो मटू मट मटू मटूनी पीपल। दोस्तों ये हंस रही है, मेरे बाल कितने गंदे हो रहे हैं और मैंने अभी इतना कुछ बोल दिया इधर, मैंने पीछे देखा ही नहीं, जैसे पीछे मुड़ के देखा करी तेरे बाल सही में कितना बुरे हैं। देख एक बार कैमरे में, देख लिया मैंने, मैंने इतनी लंबी लाइन बोल दी। तूने कैब डाली थी ना अभी तक, तब हुआ ऐसा ही। सो हम थोड़े से बीरोल लेते हैं, आप लोग बीरोल एंजॉय करो। चंद्रशिला पीक पर मिल गए हमको एक गाइड अंकल, जिन्होंने हमको वहाँ से दिखने वाले सारे पर्वतों के नाम बताए। जाएंगे इसके ठीक पीछे नीलकंठ है, करके वो जो लास्ट वाला है वो बंदरपूंछ है। आप लोग कहाँ से हैं? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से? मैं नैनीताल से हूँ। चंद्रशिला पीक से बहुत सारे पीक दिखते हैं, नंदा देवी पीक, त्रिशूल पीक, केदार पीक, बद्रीनाथ पीक और अपना नीलकंठ पीक, और हाथीपाल, हाथी घोड़ा पाल पीक, पीक में है। बहुत सारे पीक दिखते हैं यहाँ से, त्रिशूल पीक, और देन उसके बाद ये जो है हमारा नंदा देवी पीक है। ये जो नंदा देवी पीक है ये गढ़वाल में है, और जो इसके अपोजिट साइड है वो कुमाऊं में है नंदा देवी पीक। ये है हाथी घोड़ा पीक, और इसके पीछे है हमारा नीलकंठ पीक, और ये है हमारा बद्रीनाथ पीक, और देन है हमारा यहाँ पे केदारनाथ पीक। जैसा कि आप सबको पता है श्री राम ने रावण को मारा था, और रावण था एक ब्राह्मण, और श्री राम के ऊपर पाप चढ़ गया था रावण को मारने का। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम चंद्रशिला पीक आए थे, और यहीं पर ही उन्होंने तपस्या करी थी पाप से मुक्ति पाने के लिए।
पिक कहाँ रखी है? मैंने जो डंडा लिया था पकड़ने के लिए चलने के लिए, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। यहाँ तक तो मैं लेकर आई थी, वहाँ रख दिया शायद मैंने, मंदिर के पास में रख दिया शायद। हाँ किसी ने लेना लिया हुआ हो, थैंक गॉड इधर ही है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ के लिए हाइक हमने शुरू किया था सुबह 9 बजे और हम लोग चंद्रशिला पहुँचे 11:45 पे, तो नॉट बैड यार, हम सही चले, सही टाइम पे पहुँच गए और अभी हम नीचे को उतर रहे हैं। तो हम सीधा आपको नीचे मार्केट में मिलेंगे, नीचे वाले एरिया में। बिना शूज़ के चल रही हूँ क्योंकि शूज़ में मेरी हालत ख़राब हो गई है, शूज़ मेरे को टाइट हो रहे हैं और आगे से अंगूठे में उंगलियों में इतनी पेन हो रही है, एकदम नीचे को ढलान पे जा रहे हैं ना, बहुत पेन हो रही है। दोस्तों अभी थोड़ा सा पानी मिला, वो स्प्राइट की बोतल से धारा लगा रखी थी और उसमें से पानी आ रहा था। ओह माय गॉड, मैं तड़प रही थी पानी के लिए, अभी भी तड़प रही हूँ मैं पानी के लिए, मुझे पानी चाहिए बस। मतलब मैंने 4 घूंटी पानी पिया और मतलब इतना मीठा पानी, इतना अच्छा लग रहा था ना। अब हम सीधे नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके पानी पियेंगे यार। और ऊपर जाते टाइम वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, अभी पता नहीं कैसे। मंदिर तो वो बंद, अंदर जाने नहीं दे रहे ना, नहीं कपाट तो बंद है लेकिन बाहर बाहर से भी थोड़ा, बाहर बाहर से भी बंद कर दिया। पहले से तो खुला रहता था वो, बंद ही है पूरा, मतलब मंदिर के दर्शन ही नहीं हुआ, छोटी छोटी दिखी ऊपर से, छोटी दिखी बस, पूरा मंदिर भी नहीं दिखा। गए यहाँ पे होम स्टे, यू कैन स्टे हियर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे फाइनली, फाइनली। अब मुझे पानी पीना है बहुत सारा, एक प्लेन मैगी मेरे लिए अपना बता दे, पानी दे दो। बना दे बिगड़े काम। ये रे दोस्त, हमारे हेलमेट हमने यहाँ पर रखे थे। क्या हुआ, ठंडा? ये देखिए बोतल ले लेते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है ठंडा, मजा आ गया। वैसे उखीमठ जाने में कितना टाइम लगता है? उखीमठ जाने में तो करीब 1 घंटा। 1.5 घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा? और वहाँ पे कुछ घूमने के लिए भी है? उखीमठ में तो घूमने के लिए भी क्या है, खाली होम स्टे वगैरह ही होंगे। और वो देवरी, देवरी ताल तो यहीं से आते, सारी ये सारी विलेज, हाँ यहाँ से उखीमठ जाने से पहले आ जाएगा। यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे जाना आपने, वहाँ से डबल रोड मिलती है सारी के लिए, उखीमठ के लिए तो आपने सारी वाले रोड। तो अभी यहाँ पर हो रहा है हमारा लंच, मैगी और रोटी। और ये नेहा, यहाँ पर खाई थी हमने मैगी। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से उखीमठ के लिए, जो कि यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। तुंगनाथ से उखीमठ जाने वाले रास्ते में बहुत सारे गेस्ट हाउस, कैंप वगैरह दिख जाएंगे आप लोगों को, ये रहे। और यहाँ पर भी गेस्ट हाउस है, ये नीलकंठ कैंप है, यहाँ पर आगे भी हैं अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो। दोस्तों यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, ये जाते हैं उखीमठ के लिए जहाँ पे हमको जाना है, और ये कटते हैं सारी विलेज के लिए। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है सारी विलेज, जहाँ पर है अपना देवरिया ताल। पैदल मार्ग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है पैदल मार्ग। क्या सारी विलेज नहीं है ना ताल? हाँ पहले 4 किलोमीटर सारी विलेज, उसके बाद 3 किलोमीटर की वो है हाइक। तो अभी हम लोग उखीमठ तो पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल में। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। 6 महीने मंदिरों के कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, तो 6 महीने जब बंद रहते हैं ना तो मूर्ति, केदारनाथ की मूर्ति और मठ महेश्वर की मूर्ति ओमकारेश्वर टेम्पल में आती है और 6 महीने तक मूर्ति की पूजा यहाँ पर होती है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं।